পয়লা এপ্রিল দিল্লির তালকাটরা স্টেডিয়ামের পঞ্চম বার্ষিক পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে কোভিড পরবর্তী বিশ্বে উদ্বেগহীন শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা, একুশ শতকের মেধাভিত্তিক অর্থনীতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে বার্তালাপ করা হবে। 28শে ডিসেম্বর 2021 থেকে 23রা ফেব্রুয়ারি 2022 পর্যন্ত সৃজনাত্মক লেখন প্রতিযোগিতায় যে সকল ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীরা প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন। সারা দেশে দূরদর্শন, রেডিও চ্যানেল, টিভি চ্যানেল সহ সমস্ত ডিজিটাল মিডিয়াতে সরাসরি সম্প্রচারিত হতে চলেছে এই অনুষ্ঠান। এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের গোদা এলাকার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেন। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट हो रहा है। साल में ये 5th एडिशन है जिसका नाम परीक्षा पे चर्चा, जिसमें हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंटरेक्ट करेंगे। देश के पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं जो अभी एग्ज़ाम देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मौका है 1 अप्रैल 2022 1 अप्रैल 11 बजे हमारे प्रधानमंत्री सब बच्चों के चहेता वो इंटरेक्ट करेंगे बच्चों से कि कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए। अगर बच्चों के मन में कोई भय है, कोई डर है, कोई फियर है, जो भी उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं उन सब पे चर्चा की जाएगी। और एक तरह का बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में इसको मनाया जाता है। मैं जल्दी से कुछ लाइनें पढ़ना चाहूँगा। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस यस्टरडे वेयर ही टोल्ड दैट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल बी इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 5th एडिशन ऑफ परीक्षा पे चर्चा ऑन 1st अप्रैल 2022। Pariksha Pe Charcha is a much awaited annual event in which the Prime Minister responds to the questions related to examination stress, related area posed by students in his uniquely engaging style in a live program, he added. So, Pariksha Pe Charcha ek aisa program rehta hai jisme jitne bhi hamare bacche hain, kuch selected bacche jo creative writing ke through जिनका सिलेक्शन हुआ है पूरे भारत से, उनको मौका मिलता है कि वो नई दिल्ली जाकर तालकटोरा स्टेडियम में लाइव इंटरेक्शन करेंगे, अपने क्वेश्चंस को पूछेंगे। और बच्चों के मन में देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि 2 साल स्कूल ऑनलाइन मोड्स में चले कोविड के चलते, इस महामारी के चलते, तो बच्चों में अब जो एग्ज़ाम्स है CBSE एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं। तो बच्चों में हो सकता है कुछ डर हो, कुछ भय हो, तो उन सबको दूर करने के लिए ये प्रोग्राम पूरे देश भर में दिखाया जा रहा है लाइव, जिसको दूरदर्शन चैनल, अन्य चैनल, यूट्यूब पे, फेसबुक पे सबको लाइव दिखाया जा। বর্ধমান থেকে পিন্টু প্যাটেল ও টিঙ্কু সাউয়ের রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।